गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लोड डाटा व्लॉग। तो गाइस कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग ऑब्वियसली अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो पे आ चुका है आप लोगों के द्वारा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बताया था आज मैं जंतर मंतर आया था और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो दोस्तों आप जो ये गेट देख रहे हो जंतर मंतर का मेन गेट है और इसी के साइड में हमारा टिकट काउंटर है। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ के टिकट प्राइस की बात करूँ तो अगर आप यहाँ से टिकट ऑफलाइन लेते हैं तो आपको 25 रुपये एक आदमी की पड़ेगी, और अगर आप टिकट यहाँ से ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 20 रुपये एक आदमी की टिकट पड़ेगी। आइए मैं आपको उसका टिकट ऑनलाइन बुक करने का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको एक QR कोड लगा मिल जाएगा जिसको आप अपने फ़ोन में स्कैन करोगे और उसके बाद आप एक साइड पर आ जाओगे। दोस्तों इस साइड पे आने के बाद आपको अपना नाम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और आपको एक अपना वैलिड डॉक्यूमेंट डालना है जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कुछ भी एक चीज़ डाल सकते हो। और आपको उसका यहाँ पर नंबर भी मेंशन करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, फिर आपकी टिकट यहाँ की बुक हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको पहले पूरा एक बार जंतर मंतर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा यहाँ की सारी चीज़ें। और दोस्तों ये साइट प्लान है हमारा जंतर मंतर का, आप इसे वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो आपको दिखाऊंगा वो है मिश्र यंत्र, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, आप वीडियो को पॉज करके बोर्ड को पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो यंत्र देखेंगे वो है सम्राट यंत्र। और दोस्तों अब मैं आपको सम्राट यंत्र एक बार पीछे से भी दिखाता हूं। और दोस्तों अब हम लोग जो यंत्र देखेंगे वो है जयप्रकाश यंत्र। और दोस्तों आप जो इसके अंदर ये तिल्लियाँ देख रहे हो ये पूरी गिनती की 30 तिल्लियाँ हैं, मतलब कि ना ये कैलेंडर मंथ था, ये पहले के लोगों को डेट बताता था। मुझे पूरा तो नहीं पता कि इससे कैलकुलेशन कैसे करते थे, बट लेकिन मुझे वहाँ पर लोगों ने बताया था। और दोस्तों अब हमारा लास्ट यंत्र आता है जो है राम यंत्र। और दोस्तों राम यंत्र भी दिखने में जयप्रकाश यंत्र जैसा ही है, बस ये उससे थोड़ा सा छोटा है क्योंकि जयप्रकाश यंत्र हमारा थोड़ा बड़ा है। और दोस्तों इसके अंदर भी वही गिनती की 30 तिल्लियाँ, ये भी एक कैलेंडर मंथ ही बताता है कि आज की डेट क्या है, वो मुझे पूरा देखना नहीं आता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आप
आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोगों को बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन है ना उसके साइड में उसको जरूर दबाना। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।